रिमेम्बर दैट कि इन टू डेज क्लास आई विल टेल यू अबाउट व्हाट आई विल टॉक या आई विल टेल यू अबाउट एज ऑफ रिवाइवल. व्हेन आई से अबाउट एज ऑफ रिवाइवल देन रिमेम्बर दैट कि एज ऑफ रिवाइवल इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1450 टू 1550. एक पॉइंट आपको नोट कर लेना चाहिए कि वेन एवर वी टॉक अबाउट एज ऑफ रिवाइवल देन एज ऑफ रिवाइवल इट कवर्स द पीरियड फ्रॉम 1450 टू 1550. 1450 ईस्वी से लेकर के 1550 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम एज ऑफ रिवाइवल के नाम से जानते हैं. क्योंकि इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव गॉन विद व्हाट इन माई प्रीवियस लेक्चर आई हैव गॉन विद डार्क मिडिल एज एंड आई टोल्ड यू रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर नथिंग हैपेंड इन डार्क मिडिल एज. देर वॉज इनफर्टिलिटी, देर वॉज नो लिटरी फिगर हु कैन कल्टिवेट द लिटरी लैंड या हु कैन मीन्स देर वॉज नो लिटरी फिगर हु जस्ट मीन्स जिसका कोई इस तरह का कंट्रीब्यूशन हो कि विच वी कैन टॉक हियर या वी कैन रिमेम्बर. सो आफ्टर डार्क मिडिल एज जो 1400 से 1450 ईस्वी तक चला, फिर हम एक नए एज में आते हैं और उस एज को हम क्या कहते हैं, एज ऑफ रिवाइवल. दो रिनेशा की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वी नो इट वेरी वेल दैट रिनेशा केम इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी, स्पेशली इन द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. लेकिन जो रिनेशा था या जो एज ऑफ रिवाइवल है उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इंग्लैंड में आने से पहले रिनेशा दस्तक देता है इटली में, और किस सेंचुरी में, 14th सेंचुरी में. सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि रिनेशा फर्स्ट केम इन इटली इन 14th सेंचुरी. इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट डाउन इट. रिनेशा जो है पहली बार 14वीं शताब्दी में इटली में आता है, 15वीं शताब्दी में फ्रांस में आता है, 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में आता है. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, अगेन आई वुड लाइक टू से कि रिनेशा केम इन इटली इन 14th सेंचुरी, इन फ्रांस इन 15th सेंचुरी एंड इन इंग्लैंड इन 16th सेंचुरी. जो रिनेशा मूवमेंट है 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी की यात्रा करने के बाद इंग्लैंड में 16वीं शताब्दी में पहुंचता है, और 16वीं शताब्दी का मतलब क्या होता है कि एलिजाबेथन एज जो है उसमें रिनेशा काफी ज्यादा फ्लारिश करता है, या रिनेशा का हम देखते हैं कि इट ब्लूम्ड इन द एज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन इंग्लैंड. सो जो रिनेशा है या जो अभी हम एज ऑफ रिवाइवल की बात कर रहे हैं, इस एज ऑफ रिवाइवल में 100 ईयर्स में हमें उन ऑथर को डिस्कस करना है. वी हैव टू टेक दोज ऑथर्स, वी हैव टू टेक दोज राइटर्स, वी हैव टू टेक दोज लिटरेरी फिगर्स. हमें उन लिटरेरी फिगर्स को लेना है जो कि क्वीन एलिजाबेथ या एलिजाबेथन एज से पहले आए हुए हैं. एक चीज हमने फिर से मैं बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू कि एज ऑफ रिवाइवल का मतलब यह है 1450 से लेकर 1550, और ये जो 1450 से लेकर 1550 है इसमें हमें उन ऑथर्स को लेना है, इसमें हमें उन लोगों को लेना है जो शेक्सपियर से पहले या क्वीन एलिजाबेथ से पहले का जो टाइम था उसमें जो ऑथर्स आए हुए हैं लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें उनको डिस्कस करना है. नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू कि एक्सेप्ट ऑथर वी हैव टू गो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी, इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या व्हाट अदर चेंजेस केम, दूसरे कौन से बड़े बदलाव आते हैं, हमें उस पर भी बात करनी है. तो ये जो मैं 100 साल का पीरियड आपसे जो मुखातिब हूँ आज क्लास में, या आज की क्लास में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि 100 ईयर्स में
ये चीजें होती हैं। तो हमें उन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड विद इन 100 ईयर्स, व्हाई दोज 100 ईयर्स आर रिमार्केबल, व्हाई आई हैव टेकन मींस जो एज जो रिनेशा इंग्लैंड में अपने पीक पर आता है उससे पहले मैं 100 ईयर्स की बात क्यों करना चाहता हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है। जब भी आप जाएंगे आपको ये लगेगा कि अगर ये बात नहीं होगी तो शायद जो है रिनेशा की जो ब्यूटी है, रिनेशा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो चीजें हम समझ नहीं सकते हैं। दिस इज वाई आई एम हियर, दिस इज वाई कि इन टू डेज क्लास आई वॉन्ट टू टेल यू कि व्हाट इज रिनेशा, व्हाट हैपेंड विद इन 100 ईयर्स, उस 1450 से लेके 1550 में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला चीज कि जिन आथर्स को हम लेंगे, हम बात आथर्स के पर्सपेक्टिव से बात पेट्रार्च की करेंगे। आपको पता है कि पेट्रार्च वाज द फर्स्ट ह्यूमैनिस्ट, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, आई आल्सो टोल्ड यू कि फादर ऑफ सोनेट, मैंने वो बात पहले भी किया था, थोड़ा सा पेट्रार्च पे बात होगी। उसके बाद आपको एक नाम और याद होगा, दांतेस डिवाइन कॉमेडी, उनके बारे में बात होगी। इसके अलावा जो और आथर, यू कैन नोट डाउन दीज आथर्स, यू कैन नोट डाउन, क्योंकि आज की क्लास में हम सारे आथर्स पे तो बात नहीं कर पाएंगे, बट यू हैव टू नोट डाउन कि 1450 से लेकर 1550 में जब भी कभी किसी को स्टडी करना होगा तो वह किन किन आथर पे उसको बात करना चाहिए। एक जो आथर है दैट इज पेट्रार्च, PETRARCH, पेट्रार्च पर हमें बात करना पड़ेगा, पेट्रार्च को लेकर के हम बात करेंगे। पेट्रार्च के अलावा जो है आप ये देखेंगे कि हमें दांते पर बात करनी है, दांते का डिवाइन कॉमेडी आता है, हमें दांते पर बात करनी है। दांते के डिवाइन कॉमेडी के अलावा, पेट्रार्च के अलावा आपको ये देखने को मिलेगा कि उसके अलावा भी एक अच्छा खासा डिस्कोर्स रहा जिसमें विलियम कैक्सटन एक बड़ा नाम आता है। हमें विलियम कैक्सटन पर जो आथर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एज अ साइंटिस्ट भी उनका, जिन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो हमें विलियम कैक्सटन पर भी बात करनी पड़ेगी। सो यू हैव टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स, पेट्रार्च, दांते, विलियम कैक्सटन। एक और आथर आते हैं जिनका नाम है मैकियावेली, मैकियावेली पर भी इसके पहले हम लोग बात कर रहे थे, चीजें आई थी, तो हमें मैकियावेली पर भी बात करना पड़ेगा। सो रिमेम्बर दैट कि ये जो 100 ईयर्स है, आई एम नॉट सेइंग द वर्ड इट वाज अ क्रूशियल पीरियड या इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एज, नो नॉट एट ऑल। यू फाइंड चेंजेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ यू फाइंड चेंजेस। तो ये जो बदलाव हुआ, ये बदलाव कौन लाया, किस तरह का बदलाव हुआ, बदलाव लाने वाले लोग कैसे थे, बदलाव लाने वाले लोग कौन थे, हमें उस पर बात करना चाहिए, हमें उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, हमें उसको देखना चाहिए। सो जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ वे बड़े लिटरेरी फिगर्स रहे हैं, और उन बड़े लिटरेरी फिगर्स में मैंने नाम दांते का लिया, मैंने नाम पेट्रार्च का लिया, मैंने नाम अभी आपका मैकियावेली का लिया। मैंने आपको ये भी बताया कि मैकियावेली के अलावा जो है ये जितने भी इस तरह के राइटर्स रहे हैं या नाम रहे हैं उन सबको आपको एक जगह नोट डाउन करना है। इसके अलावा जब आपका विलियम कैक्सटन का मैंने नाम लिया था, तो जब आपकी जर्नी वहां से शुरू होगी तो आप ये देखेंगे कि सम अदर पीपल विल आल्सो कम इन योर वे, और वे कौन कौन से होंगे, एक बड़ा ग्रुप आएगा यूनिवर्सिटी विट्स। तो ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, या एज ऑफ रिवाइवल में ही डिस्कस करना पड़ेगा, एलिजाबेथन एज में नहीं डिस्कस करना पड़ेगा, एलिजाबेथन एज से पहले ही यूनिवर्सिटी विट्स आ जाता है। सो इसीलिए मैंने 1450 से 1550 ईस्वी तक का पीरियड एकदम बिल्कुल सेपरेट कर दिया, आपको बता दिया कि ये जो पीरियड है यह रिमार्केबल है और आपको यहाँ पे ये बातें करनी है। सो व्हाट आई वांट टू से कि जब आपकी जर्नी पेट्रार्च से शुरू होती है, दांते पे आप बात करेंगे, मैकियावेली को आप लेंगे, उसके अलावा कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस या कैक्सटन का जो कंट्रीब्यूशन है वहां पर आएंगे, फिर इसके अलावा आपको और किस पर बात करनी पड़ेगी, आपको कुछ और राइटर्स है जिसमें मैंने नाम लिया, एक बड़ा नाम यूनिवर्सिटी विट, जो ग्रुप ऑफ राइटर जिसमें 7 लोग थे उन पर आपको बात करना पड़ेगा, और एक स्पेशल नाम आप जरूर लिख लीजिएगा उनमें से हट करके उसी ग्रुप के थे लेकिन उनका नाम क्रिस्टोफर मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो का भी नाम आपको
आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है हमें जो और बात करनी है उसमें से एक वर्क भी है, नाम भी है, दैट इज ये पहला इंग्लिश कॉमेडी राल्फ राइस्टर ड्वाइस्टर रिटन बाय निकोलस उडल। फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी रिटन बाय निकोलस उडल एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कॉमेडी? राल्फ राइस्टर डाइस्टर, RALPH राइस्टर, ROISTER राइस्टर डाइस्टर, DOISTER राल्फ राइस्टर डाइस्टर, रिटन बाय हुम? रिटन बाय निकोलस उडल। उडल की स्पेलिंग है UDALL। एक्सेप्टेड यू विल कम टू नो कि इन सब के अलावा भी पहली जो ट्रेजिडी रही है दैट वाज गारबडक, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी दैट वाज गारबडक, GORBODUC गारबडक, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी। सो यू विल कम टू नो कि ये सब चीजें रही हैं जिसे हमें समझने की कोशिश करना है। इसके अलावा टॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजिडी बात करना पड़ेगा, मतलब ये सब एलिजाबेथन एज से पहले हमें डिस्कस करना। इसीलिए मैंने बताया कि ये सब राइटर देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमेशा इन सब की बात होती है। टॉमस लार्ज के रोजालिन की बात होती है और भी ये सब चीजें। इसके अलावा एक और नाम आएगा, सर टॉमस यॉट। सर टॉमस यॉट WYAT। एक और नाम आएगा, हेनरी हॉवर्ड अरलाफ सरे। हेनरी हॉवर्ड अरलाफ सरे, सर टॉमस यॉट, हेनरी हॉवर्ड अरलाफ सरे। यू विल गेट दीज राइटर्स, यू विल गेट दीज राइटर्स। ये तो मैंने लिटरेरी फिगर्स का नाम बताया कि लिटरेरी फिगर्स में हमें इन पर बात करना है। वो पॉलिटिकल थिंकर भी हो सकते हैं, लिटरेरी पर्सन भी हो सकते हैं, पोएट भी हो सकते हैं, ड्रामेटिस्ट भी हो सकते हैं, तमाम तमाम चीजों पर जो रहा, जिसकी जर्नी मैंने कहाँ से शुरू किया, पेट्रार्क से लेकर के हेनरी हॉवर्ड अरलाफ सरे तक मैंने आपको बताया। कुछ लोगों के नाम मैं पहले भी, जैसे मोर्स का यूटोपिया पे मैंने नाम लिखवा दिया था। उसके अलावा जो है अगर आपको याद होगा कि कुछ आथर्स के नाम मैंने और बता दिए थे। लेकिन एक और चीज है कि जो बाइबिल का ट्रांसलेशन जो 1382 में जॉन वाइक्लिफ ने किया, तो वह जो है एक मूवमेंट की शक्ल अख्तियार करता है। और कुछ ना कुछ राइटर्स बाद में आते हैं, जिनमें से एक राइटर है विलियम टिंडल, जॉन परवे, क्रैनमर। ये तीनों नाम आप लिख लीजिएगा, विलियम टिंडल। टिंडल की स्पेलिंग है TYNDLE। जस्ट आई वॉन्ट टू नो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग, बट आई एम टेकिंग ईच एंड एवरी पॉइंट ग्रेजुअली एज स्लो। या, रिपीटिंग इट, विलियम टिंडल, TYNDLE, विलियम टिंडल, TYNDLE, विलियम टिंडल। नेक्स्ट है जॉन परवे, JOHN, जॉन PURVEY। नेक्स्ट है क्रैनमर, CRANMER, क्रैनमर, CRANMER, क्रैनमर। सो यू विल कम टू नो अबाउट दीज ऑथर्स, यू विल गेट दीज पॉइंट्स, और आपको खुद पता चलेगा कि वाई दीज पॉइंट्स आर सिग्निफिकेंट, वाई दे आर इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आई वांट टू से कि व्हेन वी गो विद दीज राइटर्स या व्हेन वी कवर दीज पॉइंट्स, तो लेट मी नो या लेट मी टेल यू कि बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं जो कि क्या करते हैं कि जो अपने में काफी इंपॉर्टेंट है। उनमें से अगर हम आपको बताते हैं या अगर हम आपके साथ चलते हैं, तो ये तो लिटरेरी फिगर्स रहे हैं, लेकिन
आपको दो नाम लिखना पड़ेगा इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में किन किन लोगों ने काम किया है, अंतरिक्ष विज्ञान में भी कुछ बातें हुई हैं। तो एस्ट्रोनॉमी में अगर आप देखेंगे तो एक नाम जो है आता है कॉपरनिकस, COPER, कॉपर, NICUS, कॉपरनिकस। इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी यू विल कम टू नो देर इज अ राइटर कॉपरनिकस, COPERNICUS, कॉपरनिकस। देन यू विल कम टू नो एक और नाम है टॉलेमी, जिसका डिस्कशन इसी 1450 से 1550 के बीच में होना है। टॉलेमी, टॉलेमी की जो स्पेलिंग शुरू होगी वो पी से शुरू होगी, PTOLEMY, टॉलेमी, PTOLEMY, टॉलेमी। इसके अलावा, इन सब के अलावा आप देखेंगे कि और भी राइटर्स हैं, और भी लोग हैं। अगर हम उस पर बात करें तो ये तो एस्ट्रोनॉमी का था, बट इन द फील्ड ऑफ साइंस, साइंस के फील्ड में आपको दो नाम लिखना पड़ेगा। एक नाम है गैलीलियो, GALILEO, गैलीलियो। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द नेम गैलीलियो, GALILEO, गैलीलियो। गैलीलियो का जो कंट्रीब्यूशन था वो टेलीस्कोप को लेकर के जो है हुआ था, और आपने देखा होगा कि जो मिल्टन का पैराडाइज लास्ट है, जो बुक फर्स्ट है, इनडायरेक्ट वे में जो है मिल्टन ने वहां पे उनका जिक्र किया हुआ है। तो वो चीज जरूरी हो जाता है हमें वहां पे समझना कि किस हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट रहा गैलीलियो का। इसके अलावा मैंने आपको एक और नाम बताया ही अभी कि विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के। अगर गैलीलियो का कंट्रीब्यूशन टेलीस्कोप को लेकर के है तो विलियम कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस को लेकर के उनकी बात की जाएगी। बहुत बात नहीं, मतलब ये आपको नाम दोबारा याद दिलाया जाएगा या दोबारा उस पर बातें होंगी। इफ यू नोट डाउन दीज पॉइंट्स तो ये चीजें काफी हम लोगों को बेनिफिशियल होगा कि कोई पॉइंट छूटेगा नहीं। तो ये जरूरी है कि कोई भी क्लास लेने से पहले हम उस क्लास में किन चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि 100 साल का पीरियड है और 100 साल के उस पीरियड में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे नाम आए हुए हैं। तो वी शुड नॉट मिस इवन अ सिंगल पॉइंट, दिस इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मीन्स द पीरियड विच वी आर गोइंग टू टेक 100 ईयर्स, दैट इज एज ऑफ रिवाइवल फ्रॉम 1450 टू 1550, उसमें जरूरी है कि इस पर बात किया जाए। इसके अलावा जो है एक और राइटर है, राइटर तो नहीं, सॉरी, कुछ और भी नाम है जो अगर मैं बात कहूं कि डिस्कवरी के फील्ड में रहा है, कोलंबस और वास्को डिगामा, 1492 1498, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है 1492 ईस्वी में। ये भी जो है कब होता है, इसी समय होता है जो 100 ईयर्स का पीरियड हम डिस्कस करेंगे। तो इस डिस्कवरी का क्या असर हुआ दुनिया पर, समाज पर, ये चीज मायने रखता है। उसके बाद जो है सेकंड नाम आपको मैंने बताया था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने 1498 में इंडिया की खोज की कि इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय होम, इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय वास्को डिगामा इन 1492, 1492 में हुआ था। सो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू कंटेन दीज थिंग्स, और फिर पूरा चीजें आप आसानी से समझ सकते हैं कि व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू से। सो ये 100 ईयर्स का पूरा हिस्ट्री जो है ये आपको जब भी आप बात करेंगे इधर तो 100 ईयर्स पे बात करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट, इसका इन्फ्लुएंस आपको कहाँ तक नजर आएगा, मिल्टन के वर्क तक नजर आएगा। यहीं तक महदूद आपको नहीं रखेगा, बल्कि इसके अलावा मैंने बताया कि ये आपको जो ले जाएगा या जो बातें होंगी वो कहाँ तक होंगी, मिल्टन के वर्क्स तक, वहां तक आपको जाने को मिलेगा, वहां तक भी आपको ये सारी चीजें होंगी।
सो वेन एवर वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स, जब भी हम इस पर बात करें या जब भी हमारा वो रहे, तो हम हमेशा अपने आप को ध्यान में रखें कि वी आर गोइंग टू टॉक इन अ वेरी वाइड वे रिनेशा को लेकर के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के क्या क्या चीजें रही हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो मेनी टाइम्स द पार्टिकुलर डेट हैज बीन आस्क्ड कि वाई दैट डेट इज इम्पॉर्टेंट, तो वो जो डेट है वो 1453 है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट डेट? दैट डेट इज 1453, 1453 ईस्वी। वो आपको नोट करना है। और उस 1453 ईस्वी में क्या हुआ था? 1453 में यू विल कम टू नो कि तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, TURK, तुर्क अटैक्ड, ACKED, अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल एक जगह का नाम है, दैट वाज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। उसको उर्दू में कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, और उसकी स्पेलिंग जो कॉन्स्टेंटिनोपल की है, CONSTANTINOPLE, कॉन्स्टेंटिनोपल। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, CONSTANTINOPLE, कॉन्स्टेंटिनोपल। सो कॉन्स्टेंटिनोपल, इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि इट वॉज कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है या उसकी राजधानी रही, कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। सेकेंड पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू, जस्ट आई वॉन्ट टू से आई वॉन्ट टू टेल यू कि वेन आई टॉक अबाउट कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, देन वाई दैट थिंग इज सिग्निफिकेंट, वाई दैट प्लेस इज सिग्निफिकेंट। उसका पीछे रीजन ये था कि ये जो सेंटर था कॉन्स्टेंटिनोपल, यह सेंटर क्या था, यहाँ पे लिटरेचर, यहाँ पे साइंटिफिक थॉट, रीजन, रेशन, सब कुछ वही सेंटर था। वहां पे सारी चीजें इन द मतलब सब कुछ जो है, जो अगर मैं कहूँ कि सिविलाइजेशन है, कल्चर है, पेंटिंग है, डांस था, म्यूजिक था, लिटरेचर था, वह पूरा उसका हब था, वह उसका पूरा सेंटर था जहाँ पे। और जब तुर्कों ने यहाँ पे अटैक किया तो वो सारी चीजें जो पूरे यूरोप में फैल गई। और ये घटना कब की है? 1453 की है। तो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज आई वॉन्ट टू टेल यू कि वाई 1453 इज रिमार्केबल, वाई यू हैव टू रिमेम्बर दिस पार्टिकुलर डेट। 1453 इज रिमार्केबल बिकॉज तुर्क अटैक्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, एंड कॉन्स्टेंटिनोपल मीन्स कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जो जो पूरा का पूरा रोम साम्राज्य था, उस रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी जो थी वह क्या थी, मतलब पूर्वी राजधानी मतलब जो पूर्वी उनका साम्राज्य था उसका जो राजधानी थी वह कॉन्स्टेंटिनोपल था। और जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय दुनिया में दो चीजों को लेकर के बड़ा कंपटीशन था, क्रिश्चियनिटी को लेकर के और इस्लाम को लेकर के। दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, और दो ही साम्राज्य थे, एक एक तुर्किस किंगडम था और दूसरा ऑटोमन किंगडम था। तुर्किस किंगडम के फॉलोअर जो 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 उसके उसको फॉलो करने वाले लोग थे वे इस्लाम के फॉलोअर थे, और जो ऑटोमन किंगडम के लोग थे वे जो है वे क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर थे। तो उन उनमें आपस में लड़ाई झगड़ा बहुत होता था। मध्य युग में धर्म एक अफीम जैसा था, और इसकी बात मैंने आपको चौसर की किताब में भी और हर जगह मैंने बताया कि हर जगह ये चीज देखने को मिलता है। सो व्हाट आई वांट टू से या व्हाट आई वांट टू टेल यू, हमें ये चीज इतना जरूरी है कि 1453 में जब अटैक हुआ तो वो जो अटैक था वह एक तरह से साम्राज्य के दिल पर हमला था। और जब साम्राज्य के दिल पर हमला किया गया तो उस जो है दिल में जितनी विशेषताएं थी, चाहे वह विशेषताएं आर्ट से संबंधित रही हो, लिटरेचर से संबंधित रही हो, म्यूजिक से संबंधित रही हो, डांस से संबंधित रही हो, कल्चर से रहा हो, सिविलाइजेशन से रहा हो, साइंटिफिक थॉट से रहा हो, रीजन से रहा हो, रेशन से रहा हो, वह चीजें पूरे यूरोप में फैल गई।
पहले वह क्या था, पहले ये महदूद थी, इट वॉज मीन्स इट वॉज जस्ट, यू विल कम टू नो, इट वॉज कन्फाइंड विद इन अ लिमिटेड एरिया, एक सीमित दायरे में वो थी, सीमित दायरे से वो बाहर नहीं निकल पाई थी। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये था कि वह पहले महदूद था और एक सीमित दायरे में था, उससे बाहर वो नहीं निकल पाया था। लेकिन आप ये देखेंगे कि इसके बाद क्या होता है कि जब वहां पे अटैक होता है तो वहां की जो भी विशेषताएं थी, वहां की जो भी खासियत थी, वह उस सीमित दायरे से निकल करके पूरे यूरोप में फैल जाती है। और ये घटना कब की है, 1453 की है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि 1453 आपको बार बार याद करना, मैं शायद इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस केवल ये चीज बताने के लिए कि वाई 1453 इज इम्पोर्टेंट, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब ये घटना हुई, जब जब पूरा का पूरा चीज फैल गया, पूरी चीज जो है हर जगह चली गई, तो एक चीज आपको और देखने को मिलेगा, वह चीज ये देखने को मिलेगा, इसके बाद पूरा जो रेनेशा मूवमेंट था उसका नाम रख दिया गया कि इट वॉज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट। आई वुड लाइक टू टेल यू नोट डाउन दिस पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेनेशा वॉज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट, PAN, पैन देन हाइफन यूरोपियन, EUROPEAN, पैन यूरोपियन मूवमेंट। इफ एनी वन आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय पैन यूरोपियन मूवमेंट, देन रिमेंबर दैट कि पैन यूरोपियन का मतलब होता है अ टाइप ऑफ मूवमेंट विच एक्सपैंडेड इन ऑल ओवर यूरोप, विच कवर्ड द होल यूरोप, ऐसा आंदोलन जो पूरे यूरोप में फैला हुआ था, ऐसा आंदोलन जिसने पूरे यूरोप को कवर किया, उस आंदोलन को क्या कहा जाता है, पैन यूरोपियन मूवमेंट। पैन का मतलब होगा कवर्ड, पैन मीन्स कवर्ड या एक्सपेंडेड, इसका जो फैलाव था, इसका फैलाव एक्सपेंशन जो था वह जो है पूरे यूरोप में, इट एक्सपेंडेड इन इंटायर यूरोप। तो दो चीजें, ये जो है पैन यूरोपियन मूवमेंट कब बना, ये पैन यूरोपियन मूवमेंट तब बनता है जब 1453 ईस्वी में तुर्कों ने क्या किया था, अटैक किया था कहां पर, कॉन्स्टेंटिनोपल पर। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या है, कैपिटल ऑफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर। अब उसके बाद हम इस घटना से पहले जो है, एक्चुअली आई वॉज सीइंग कि समवन सेंट मैसेज, टीच मिंट ऐप से मैसेज आया हुआ था, तो आई वॉज सीइंग कि व्हाट हैपेंड। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि वी हैव टू गो विद दीज पॉइंट, हमें इन सारे पॉइंट्स को कवर करना है, हमें इन सारे पॉइंट्स को समझने की कोशिश करना है। सेकेंड पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप रिनेशा की बात करते हैं या एज ऑफ रिवाइवल की बात करते हैं, तो रिनेशा के लिए तीन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रिनेशा के लिए कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं, आप कोई भी वर्ड सोचिए कि ये शब्द का इस्तेमाल करने से रिनेशा की मीनिंग पूरी हो जाएगी, रिनेशा का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा हो जाएगा, नो नॉट एट ऑल, वो पूरा होने वाला नहीं है। रिनेशा एक मूवमेंट है और वह मूवमेंट अपने में बहुत सारी चीजों को, इट हैज टेकन सो मेनी पॉइंट्स एंड देर इज नो स्पेसिफिक वर्ड बाई विच यू कैन डिफाइन कि ये चीज पूरा हो जा रही है। रिनेशा अपने में एक पूरा ऐसा मूवमेंट है, आप ये नहीं कह सकते कि सर आप कोई स्पेसिफिक शब्द बता दीजिए जिससे मुझे ये लगे कि रिनेशा की कैरेक्टरिस्टिक्स उस शब्द में निहित हो, या उसमें जो है उसको नाम लेने से रिनेशा की क्वालिटी या रिनेशा का कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा हो जाए, नो नेवर नॉट एट ऑल। लेकिन फिर भी जो है क्रिटिक्स ने एक कहा है कि रिनेशा के लिए दो तीन बातें कही गई हैं, एक तो रिनेशा मीन्स रीबर्थ, दूसरा रिनेशा मीन्स रिवाइवल, तीसरा रिनेशा मीन्स री अवेकनिंग। रीबर्थ, रिवाइवल एंड री अवेकनिंग, ये तीनों शब्द आपको नोट करना है और मैं एक एक शब्द को बताऊंगा कि वाई रीबर्थ, वाई रिवाइवल एंड वाई री अवेकनिंग, या व्हाट डू यू मीन बाई दिस। द टर्म जो रिनेशा है, इट रिफर्स टू व्हाट, इट रिफर्स टू रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग।
यह रीबर्थ, रिवाइवल एंड रीअवेकनिंग क्यों है? क्योंकि जो मिडिल एज था, द मिडिल एजेस था, उस द मिडिल एजेस में ऐसा लगता था जैसे हम सैकड़ों सालों तक सोए हुए थे, और हम जो है रिलीजन नाम की अफीम को ले लिए थे, और हम ना तो ह्यूमैनिज्म के बारे में सोचते थे, ना ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते थे, ना ही मानव के बारे में सोचते थे कि मानव का उद्देश्य क्या है। और इवन जो धर्म हमें अच्छी बातें सिखाता था, उस धर्म की भी गलत व्याख्या, इट वॉज मिस इंटरप्रेटेड बाई द रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव और रिलीजियस लीडर्स मिडिल एज में, तो हमारी आंखों पर एक पर्दा पड़ गया था। और वह पर्दा कैसा पड़ गया था? वह पर्दा ये पड़ गया था कि प्लेटो ने, अरिस्टोटल ने, होमर ने, वर्जिल ने, थियोक्रिटस ने, ये जो महान राइटर थे इटली के, ग्रीक के, इन्होंने क्या बताया, क्या कहा, आप देखेंगे कि मिडिल एजेस में इन पर कोई बात नहीं होती। मैंने आपको द मिडिल एजेस पढ़ाया था, और मैंने बताया था कि द मिडिल एजेस को तीन हिस्सों में बांटा जाता है, एंग्लो नॉर्मन पीरियड, एज ऑफ चौसर, और फिर मैंने बताया था कि इसके अलावा क्या था, डार्क मिडिल एज। आप मुझे बता दीजिए कि मैंने कोई एक एग्जाम्पल आपको ऐसा दिया हो जहां पर मैंने इनका नाम लिया था। यू विल फाइंड नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल। तो जो ये द मिडिल एजेस था, जो 1066 से 1450 ईस्वी तक चला हुआ है, उस समय ऐसा लगता है कि इंसान जो है जंजीरों में, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, और वह जंजीरें किसकी थी, अंधविश्वास की थी, वह जंजीरें जो थी नैरो थॉट की रही है, वह जंजीरें जो है धर्म, धर्म की गलत व्याख्या जो रिलीजियस रिप्रेजेंटेटिव या रिलीजियस लीडर्स ने की, उसमें रही है। इंसान ने ये नहीं सोचा कि व्हाट इज द रोल ऑफ अ मैन, व्हाट इज द रोल ऑफ अ मैन, व्हाई गॉड हैज क्रिएटेड हिम, व्हाई अरिस्टोटल इज इम्पोर्टेंट, व्हाई प्लेटो इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज कल्चर, व्हाट इज सिविलाइजेशन, व्हाट इज लिटरेचर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेंटिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डांस, यू विल कम टू नो कि द मिडिल एजेस में इस पर कोई बात ही नहीं होती है। या तो इस पर बात दुनिया में कब हुई थी, बहुत पहले हुई थी, जो मैं नाम बार बार अभी ले रहा हूँ, प्लेटो, अरिस्टोटल, आपका होरेस, वर्जिल, थियोक्रिटस, ये सब बड़े फिलासफर, इन्हीं की विचारधारा को, इन्हीं की आइडियोलॉजी जो थी वो एक जगह रुक गई थी। वह जगह कौन सी थी? वह जगह कॉन्स्टेंटिनोपल था। मेरी बात समझिए, अरिस्टोटल की, प्लेटो की, वर्जिल की, थियोक्रिटस की, होमर की, या दुनिया भर के जो भी राइटर थे, चाहे वे राइटर रहे हों, चाहे वे पेंटिंग के फील्ड में रहे हों, डांस के फील्ड में रहे हों, म्यूजिक के फील्ड में रहे हों, उन सबकी सारी चीजें एक जगह जाके ठहर गई थी। वह जगह कौन सी थी? कॉन्स्टेंटिनोपल, या जो रोमन इंपायर था, उस रोमन इंपायर की एक पार्टिकुलर एरिया में महदूद थी। जब उस पार्टिकुलर एरिया पर 1453 ईस्वी में तुर्कों ने अटैक किया, तब वहां से जो इसके जानकार थे वे उस ज्ञान को लेकर के यूरोप के विभिन्न हिस्सों में भाग जाते हैं या चले जाते हैं। दे लेफ्ट दैट प्लेस व्हेन तुर्क अटैक्ड एंड जस्ट वेंट विद द नॉलेज, जस्ट वेंट विद द मैन्युस्क्रिप्ट इन एवरी कॉर्नर ऑफ यूरोप। और इटली पर यह जो हमला था, या इटली पर हमला जो है, इतिहास के पन्नों में जब भी बात की जाती है तो ये कहा जाता है कि यह मानवता के लिए एक नया दरवाजा खोलता है, इंसानों के विकास में एक नया इतिहास लिखता है यह अटैक। जो बातें थी वे सारी की सारी बातें आप देखेंगे कि जो एक जगह महदूद थी, उसकी अपनी एट्रीब्यूट से, द पर्टिकुलर क्वालिटीज, या उसका जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स था, फॉर द फर्स्ट टाइम द पीपल केम टू नो अबाउट 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 दीज एट्रीब्यूट, दीज लिटरेरी थिंग्स, पहली बार लोग इससे जान पाते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, पेट्रार्च भी कोई है, दांते भी कोई है, उससे पहले भी इन लोगों ने काम किया था, इनके यहाँ के लोग, प्लेटो भी कोई थे, होरेस भी कोई थे, वर्जिल भी कोई थे, थियोक्रिटस भी कोई थे। नो नॉट, वरना आप इंग्लैंड में देखिएगा किस पर बात हो रही है, बाइबल पे बात हो रही है, क्रिसमस पे बात हो रही है, गुड फ्राइडे पे बात हो रही है,
450 से 1066 जब पढ़ाए थे, यही तो हो रहा था, और तो कोई चीज हो नहीं रही थी। ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखने की चीज है। उसके बाद जो है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, पैन यूरोपियन मूवमेंट। ये घटना कब की है, 14th सेंचुरी इटली है, 15th सेंचुरी फ्रांस में है, और 16th सेंचुरी में कहां पर है, इंग्लैंड में है। जब पूरे यूरोप में ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फैल गई, तभी से इसको क्या कहा गया, पैन यूरोपियन मूवमेंट। तो इसका मतलब कि जो इंसान इंग्लैंड का जो इंसान सोया था, इंग्लैंड के जिन इंसानों को ये जानकारी नहीं थी कि कल्चर ही होता है, सिविलाइजेशन होता है, वे जो है क्या ऐसा लगता है कि वे जागे, और इंसानों को पता चला कि पहले हमारे पूर्वजों ने कितना काम किया था। हमारे पूर्वजों का मतलब प्लेटो से, अरिस्टोटल से, होरेस से, वर्जिल से, थियोक्रिटस से, होमर से, सो मेनी नेम, सोफोक्लिस से, ये जो पूर्वज थे जो है, जो इटली में, ग्रीक में रहा करते थे, उन्होंने लिटरेचर में कितना काम किया, इंसान को इंसान बनाने में कितना काम किया। आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, लेकिन आप बता दीजिए कि दुनिया का कोई ऐसा डिसिप्लिन हो जो बगैर अरिस्टोटल का नाम लिए, बगैर प्लेटो का नाम लिए, बगैर सोक्रेटिस का नाम लिए पूरा हो जाए। नॉट अ सिंगल डिसिप्लिन। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वी हैव स्मार्टफोन, वी आर अटेंडिंग, आई एम डिलीवरिंग ऑनलाइन क्लास, यू आर अटेंडिंग इट। लेकिन आप बता दीजिए कि शमीम अभी जो बात कर रहे हैं, बगैर प्लेटो के नाम के आगे बढ़ जाए, तो कुछ तो हुआ था ना। तो जो हुआ था, जो उन्होंने किया था, वह एक लंबे समय तक इंसानों इंसानों की एक ऐसी पीढ़ी आई जो उससे वाकिफ नहीं थी। और वह जो पीढ़ी थी कब से कब तक थी, 1066 से लेकर 1450 ईस्वी तक। उस पीढ़ी को यह पता ही नहीं था कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इतना काम करके गए। और जब उस पीढ़ी को इसके बारे में जानने की जानकारी मिलती है, तब उस समय को क्या नाम दिया गया, रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब यही होता है कि हमारा रिवाइव हुआ, हम अपनी लिटरेचर को, अपनी कल्चर को, अपनी सिविलाइजेशन को, इंसानों के को बेहतर बनाने के लिए जो काम उन लोगों के द्वारा किए गए थे, उसको हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि एकदम से ये नया, इसका मतलब कि ये एग्जिस्ट ऑलरेडी करता था, ये काम पहले से हो चुका था, बट वी वर अननोन अबाउट इट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन, दिस इज वाई द पार्टिकुलर टर्म इज नोन एज रिवाइवल। और क्यों कहा गया रीबर्थ, इसलिए कहा गया कि 1066 से लेके 1450 ईस्वी तक इंसान सोया हुआ, तो उसको जानकारी ही नहीं थी। तो ऐसा लगता है जैसे इस ज्ञान की दृष्टि से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ दीज थिंग्स, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द मीन्स द लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स विच आई टोल्ड यू आर द नॉलेज जो कुछ रहा है, ऐसा लगता है कि इस पर्सपेक्टिव से उनका क्या होता है, उनका विकास होता है, इस पर्सपेक्टिव से उनका दोबारा विकास होता है, इस पर्सपेक्टिव से उनके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। दिस इज वाई वी कॉल द पार्टिकुलर एज, व्हाट दिस इज वाई वी कॉल द पार्टिकुलर एज, रिनेशा, रीबर्थ, रिवाइवल, री अवेकनिंग। दोबारा हमारा अवेकन हुआ, पुनर्जागरण हुआ हमारा, हम अवेकन। ऐसा लग रहा था कि फॉर अ लॉन्ग टाइम वी वर अंडर हैवी आस्लीप, वी हैव टेकन ओपियम, दैट वॉज द ओपियम ऑफ रिलीजन, वी वर नॉट इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड what is science, what is technology, what is humanism, and what the contribution has been given by our forefathers. मैं जानना चाहता हूँ कि आर यू गेटिंग दीज पॉइंट्स। ऐसा तो नहीं कि वन साइडेड लेक्चर हो रहा और आप लोग बोर हो रहे हो, कि कैन एनी अदर पर्सन रिस्पॉन्ड मी? अच्छा, ओके ओके ओके। सो वाई रिबर्थ, वाई रिवाइवल, वाई रीअवेकनिंग, ये चीजें ध्यान में रखना है। पैन यूरोपियन मूवमेंट ध्यान में रखना है, 1453 ईस्वी का डेट आपको ध्यान में रखना है, कॉन्स्टेंटिनोपल आपको ध्यान में रखना है। और चीजें आज की क्लास में हम यही बेसिक पॉइंट बात कर रहे हैं आथर पे। मैं चूंकि इतना बड़ा है कि एक दिन में हम इसको बातें कर ही नहीं सकते, और अगर हम आपको ये नहीं समझाएंगे कहाँ से आया, क्यों आया, केवल सीधे सीधे आथर लिखवा दिए, तो आथर तो 10 मिनट का काम है, वो मैं व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता, पॉइंट लिखवा देता, लेकिन उसकी हिस्ट्री को आपको जानना जरूरी था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वॉन्ट टू टेल यू कि जब आप इन सब चीजों पर जाते हैं या इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो रिनेशा के चार पांच पॉइंट्स आपको
याद रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिएगा, इट वॉज द एज ऑफ ह्यूमनिज्म। नंबर वन पॉइंट, इट वॉज एन एज ऑफ ह्यूमनिज्म। और जो ह्यूमनिज्म है उसका मतलब क्या होता है? ह्यूमनिज्म मीन्स की प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन एन आइडियोलॉजी विच रिफर्स टू लव, अफेक्शन, ब्यूटी, इक्वेलिटी एंड जस्टिस। प्रैक्टिसिंग और बिलीविंग इन एन आइडियोलॉजी विच रिफर्स टू लव, अफेक्शन, कामा ब्यूटी, कामा जिनरोसिटी, GENEROSITY, जिनरोसिटी, लव कामा अफेक्शन कामा ब्यूटी कामा जिनरोसिटी, GENEROSITY, जिनरोसिटी, लव अफेक्शन ब्यूटी जिनरोसिटी जस्टिस इक्वेलिटी। ह्यूमनिज्म का मतलब मानवतावाद। तो मानवतावाद का मतलब ये होता है कि हम सारे लोग मानव हैं, हम सारे लोग एक समान हैं, हम सारे लोग एक ईश्वर की संतान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। इस तरह की बातें मध्य युग में आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहां तो एक मानव दूसरे मानव से ब्लैकमेल करता है, वहां पे लव की कोई बात नहीं रही है। लेकिन पेट्रार्च ने जब लव की बातें करना शुरू किया अपनी बिलव्ड को लेकर के, तो पूरा जो भी सॉनेट आया हर आदमी लव पे बातें कर रहा, हर आदमी अपने जो है बिलव्ड को उसको कहीं ना कहीं बताने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से कि हमें ये सब पॉइंट समझना चाहिए कि रिनेशा वाज एन एज ऑफ ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट करके आप लिखिएगा, इट वाज एन एज ऑफ पैट्रियटिज्म, PATRIOTISM, पैट्रियटिज्म देशभक्ति का एज था। इट वाज एन एज ऑफ पैट्रियटिज्म। अगर आप देखेंगे देशभक्ति की बातें जो है मैकबेथ जो प्ले है उसमें खुद जो है मैकडफ करते हैं, जब वो किंग डंकन के दोनों बेटों को कहते हैं कि आप चलिए और देखिए कि आखिर जो है स्कॉटलैंड में क्या हो रहा है, तो उसकी एक झलक देखने को मिलती है कि इट वॉज एन एज ऑफ पैट्रियटिज्म, PATRIOTISM। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज एन एज ऑफ कल्ट ऑफ ब्यूटी। इट वॉज एन एज ऑफ कल्ट ऑफ ब्यूटी, CULT, कल्ट ऑफ ब्यूटी। कल्ट ऑफ ब्यूटी का मतलब यहाँ पे कि ब्यूटी वॉज वर्शिप्ड, ब्यूटी वॉज आइडियलाइज्ड, ब्यूटी की ऐसा लगने लगा कि वर्शिपिंग हो रही, ब्यूटी को आइडियलाइज किया जा रहा है। एंड ब्यूटी डज नॉट मीन्स की ओनली फिजिकल ब्यूटी, द आउटर अपीयरेंस ऑफ अ मैन। ब्यूटी का मतलब कि ब्यूटी ऑफ सोल, ब्यूटी ऑफ हार्ट, ब्यूटी ऑफ माइंड, इस पर बात काफी हद तक होती है, इसको लेकर के काफी हद तक जो पेट्रार्च से शुरू होता है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को लेकर के बात होती है, वहां पर चलते हैं बहुत सारी चीजें, यू विल कम टू नो। तो इट वाज एन एज ऑफ कल्ट ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज एन एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इट वाज एन एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, INDIVIDUALISM, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है व्यक्तिगतवाद। एंड व्यक्तिगतवाद का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगतवाद का मतलब ये होता है कि एक एक इंसान की अपनी पहचान है। याद होगा मैंने जब आपको इंडिविजुअल और टाइप कैरेक्टर्स बता रहे थे जो 64 के समय शुरू होता है, तो वहां से वो बातें निकल करके आती है। और यहाँ पे यह एक मूवमेंट के रूप में बदल गया कि हर इंसान जो है गॉड के द्वारा बनाया गया है, उसकी एक अपनी आइडेंटिटी है और उसकी आइडेंटिटी को कोई किल नहीं कर सकता। उसको अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि उसका रोल क्या है, ईश्वर ने उसे धरती पर क्यों भेजा, ये सब चीजें उसको सोचना चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर के आप बात करेंगे तो इट वॉज एन एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यह इंडिविजुअलिज्म का एज रहा।
इसके अलावा आप देखेंगे कि कल्ट ऑफ ब्यूटी है, पैट्रियटिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, और बहुत सारी चीजें जो है इस एज में आपको देखने को मिलेगा कि इट वाज एन एज ऑफ नेविगेशन, NAVIGATION, नेविगेशन, समुद्री यात्राओं का दौर शुरू हुआ, जिसमें मैंने अभी दो एग्जाम्पल दिया था, कोलंबस का, वास्को डी गामा का। तो वो नेविगेशन का एक दौर शुरू होता है। नेक्स्ट पॉइंट करके, इट वाज एन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट वाज एन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट वॉज एन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, GLOBALIZATION, ग्लोबलाइजेशन। सो इट वॉज एन एज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, पैट्रियटिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी, ह्यूमनिज्म, नेविगेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। या जो एज था, या जो किसका था, ग्लोबलाइजेशन का एज था, नेविगेशन का एज था, कल्ट ऑफ ब्यूटी का एज था, इन सब चीजों को लेकर के रहिए। नेक्स्ट पॉइंट, इट वाज एन एज ऑफ, इट वाज एन एज ऑफ मॉडर्न थॉट्स एंड साइंटिफिक अप्रोचेस। टू अंडरस्टैंड लाइफ, मॉडर्न थॉट्स एंड साइंटिफिक अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड लाइफ, जीवन को समझने के लिए वैज्ञानिक नजरिया, वैज्ञानिक अप्रोच किया गया। गैलीलियो की बातें जैसे अभी मैं आपको बताऊं, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में जो है, जैसे बहुत सारी चीजें हुई हैं कि पहले ये कहा जाता था कि द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, पहले ये विश्वास था, लेकिन इस एज में डिस्कवरी हुई, नो 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 नॉट एट ऑल, बल्कि जो है द सन इज इन सेंटर एंड द अर्थ मूव्स अराउंड इट। ये जब बातें आप देखेंगे, टॉलेमी और या हेलो या सौम्या जी, आई एम रिपीटिंग, आई जस्ट टोल्ड यू कि ये जो एज था साइंटिफिक अप्रोच का, साइंटिफिक डिस्कवरी का एज था, जिसमें एक नाम मैंने आपको बताया था कि टॉलेमी और कापरनिकस का, और जिसमें ये कहा जाता था कि जो सन है, पहले लोग ये विश्वास करते थे कि जो सन है वह जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, लेकिन इस एज में जो डिस्कवरी हुई एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में, वो ये बताया गया नहीं, सन सेंटर में है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ऐसे साइंटिफिक ख्याल, ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐसे वैज्ञानिक नजरिया हमें आपको देखने को मिलेगा इस एज में। इसके अलावा जो है, एक और चीज आपको ध्यान में रखना है कि यह जो एज था, ऐसा कहा जाता है, इस पॉइंट को आप ले ली आप लिखिएगा कि इट वाज एन एज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ मैन हिमसेल्फ एंड द एज इन विच ही वॉज लिविंग। राइट डाउन दिस पॉइंट, इट वॉज एन एज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ मैन हिमसेल्फ, द डिस्कवरी ऑफ मैन हिमसेल्फ एंड द एज इन विच ही वॉज लिविंग। यह एक ऐसा एज था जो कि आदमी ने अपनी खोज की और अपने 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 साथ ही साथ अपने एज की खोज की, मतलब आदमी ने अपने बारे में सोचना शुरू किया, वो क्या है, उसका क्या मकसद है, वो धरती पर क्यों आया, ईश्वर ने उसे क्यों बनाया। दीज वर द रीजनेबल क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड बाई मेन अबाउट देमसेल्व्स, जो उन्होंने खुद अपने बारे में सोचना शुरू किया। इसीलिए कहा जाता है कि यह एक ऐसा एज था जिसमें आदमी ने अपने बारे में खोज की, और जिस जगह वह रह रहा था या जो 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 उसका एज था, उसके बारे में वह सोचना शुरू किया। तो ये सारी चीजें, अब आपको मैंने कुछ नाम लिखवाए थे,
वो आपको पहले से भी पता है। मैं यहाँ पे उस नामों को दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, बताने की जरूरत नहीं कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किसकी खोज की है, अमेरिका की। वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में किसकी खोज की है, इंडिया की। गैलीलियो का क्या काम था, टेलीस्कोप का। गैलीलियो का जो काम था वो क्या है, टेलीस्कोप का। विलियम कैक्सटन का क्या काम था, प्रिंटिंग प्रेस का। कॉपरनिकस और टालेमी, ये दोनों नाम ऐसे हैं जो किससे बिलोंग करते हैं, जो कि अभी मैंने बात बताया कि द सन इज इन सेंटर एंड द अर्थ मूव्स अराउंड इट, और उसका जो जस्ट अपोजिट आइडिया है उसको लेकर के बात करते हैं। तो इन सारी चीजों को रहा है, बस मैं क्लास यहीं तक लूंगा, इसके आगे मैं नहीं ले पाऊंगा, ना ही अभी आज मैं आपसे कोई और बात कर पाऊंगा। आई विल मीट यू इन इन मॉर्निंग, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप उस पर ड्रॉप कर दीजिएगा। तो आई विल मीट यू इन 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 मॉर्निंग, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप इन व्हाट्सएप ग्रुप, और तब हम थोड़ा सा पहले बात करेंगे अगर कोई क्वेरी होगी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। ओके।